कल इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ। खाइए और बताइए कैसा है स्वाद। तुम्हारा सिर कैसा है भाई? तो अभी है शाम का वक्त और घर पे कोई नहीं है, मुझे ना कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने। आज बहुत दिनों बाद मैगी खाने जा रहे हैं, मतलब कुछ बहुत दिनों बाद कुछ अनहेल्दी खाने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर देख के बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर मम्मी या पूजा को पता चल गया तो अंजाम थोड़ा सा बुरा हो सकता है। तो चलो चल के बनाते हैं। फिलहाल पूजा तो है नहीं, मम्मी है, तो मुझे बस एक ही इंसान से सतर्क रहना है। यार मेरे मैगी में ना नज़र लग गया यार, देखो मेरा मैगी ख़राब हो गया। तो देखते ही देखते अभी रात हो गया और मुझे अभी पता चला हमारे कैमरे में देखो लाइट जल रहा है। यहाँ पे देखो किचन में क्या हो रहा है, गिनी मैडम जो है इडली और सांबर बना रही है, और ये स्पेशली मेरे नाम का है ना, मेरे नाम का है ना। लो चेक करके बताओ। ये है सांबर जो कि मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट करके बताओ। वाह अल्टीमेट, ठीक है, बहुत टेस्टी बनाती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये है इडली का मसाला, पता नहीं क्या जो भी बोलते हैं, और यहाँ पे देखो हमारा सांबर उबल रहा है बहुत जोरों शोरों से, और इसके अंदर है इडली। अब देखना ये है कि इनके बाहर आ जाने के बाद इडली का टेस्ट कैसा होता है। अभी चलो चलते हैं छत पे। पूजा बेचारी देखो रात में यहाँ पे घूम रही है। तुम्हारा सिर कैसा है भाई? ए भाई मत बोलो, तुम लोग दुखी हो ना मेरे साथ में। अरे चुप कर, एक्टर एक्टिंग करती है, इसको कुछ नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, लग रहा है कि आँख से काना हो जाएंगे हम दर्द के मारे। अच्छा अभी तो मस्त कॉफी पी रही थी, घूम रही थी, सब कुछ कर रही थी, अभी तुम आँख से काना हो जाओगी। एक नस इधर इधर से लेके और इधर तक, पता नहीं किधर चोट लगा है साला, समझ में नहीं आ रहा है। इधर से लेके इधर तक लेफ्ट, पता नहीं कहाँ चोट लगा है। यहाँ यहाँ से दर्द हो रहा है नस में, और वो नस इधर गया है, इधर दर्द। वाह 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 लड़की, गुलगुला हो गया है। इस पागल को चोट लगा है और इसको पता भी नहीं है कि इसको कहाँ चोट लगा है। कृपया इसकी बातों को गौर से सुने। जिसको सिर में चोट लगा होगा ना, वही आदमी जानेगा कि सिर का चोट आँख से लेके नाक और मुँह तक जाता है, गले तक आता है। हाँ अगर आपको सिर में चोट लगा है तभी आप समझ सकते हो, और अगर आप पूजा की बात को नहीं समझ पा रहे हो तो अभी अपने सिर पे मारो, चोट खाओ और फिर सेम फीलिंग लो जो पूजा को फील हुआ होगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मेरी बात को सीरियस मत लेना। यहाँ वाले सीसीटीवी में भी लाइट जल रहा है क्या? जल रहा है, लेकिन लाइट के कारण शायद दिख नहीं रहा होगा। देखो जल रहा है इसमें भी। इडली का इंतजार करते करते 20 मिनट हो चुका है, अभी चल के देखते हैं कि इडली बना है या नहीं। इडली भाई निकल गया यार, ये देखो इडली निकल के आ चुका है प्लेट के अंदर। नहीं जल्दी निकाल दिया ना, पानी खत्म हो गया था इसके अंदर का। तो ये इडली खाने लायक नहीं है क्या? नहीं खाने लायक है, लेकिन जल्दी निकाल दिया, देखो पका नहीं है ठीक से। मतलब ये इडली शेप में नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। पहली बार में ऐसा होता है, पका नहीं है। इडली खाने के लिए ना थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? इसने नारियल फोड़ा भाई, खुद खा गई और खुद पी भी गई, तब तक बीच में पूजा ने इसको पकड़ लिया। ये तो इडली सांबर के लिए चटनी बनाने वाली है ना, इसी नारियल से। यही बना रही हो ना, है ना? चटनी नहीं बना रही हूँ मैं, तो फिर क्यों फोड़ा? ऐसे ही खाने का मन किया, वैसे तो लाई थी चटनी बनाने के लिए, लेकिन फोड़ के खाऊंगी। हे भगवान, मुझे तो थोड़ा दे देती यार। पी लो एक बार यार, ले पकड़ ले, पी के दिखाऊं? रहने दो रहने दो, तू पी। नहीं है, मैं इडली खा के काम चला लूंगा यार। तो हमारा देखो यहाँ पे इडली सांभर बन के तैयार है, थोड़ा सा इडली मैंने खा भी लिया, और यहाँ पे चटनी का तैयारी हो रहा है, टमाटर धनिया। तो हमारा देखो इडली बन के आ चुका है, सबसे पहले इसका स्वाद पूजा मैडम लेंगी, उसके बाद मैं खाऊंगा। खाइए और बताइए कैसा है स्वाद। गिनी ने यार स्वाद अच्छा अच्छा है ना, गिनी ने बनाया है, टेस्टी। खा खा जल्दी खा भाई, अब है मेरी बारी, अब थोड़ा सा मैं भी खा लूं इसके अंदर से। लो पहले तुम खाओ, तुम खाओ ये वाला। लो ना खा ना, पर मैं अच्छा वाला खाऊंगा, बड़ा वाला। खाना बड़ा वाला खाएगा। क्या फील दे रहा है यार, कितनी सब्जियां हैं इसमें। इसके सांबर में ना यही खास बात होता है, गिन्नी जो भी सांबर बनाती है उसमें ना सब्जी बहुत सारा डालती है, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं घर पे सब उठा के डाल देती है। और ये चटनी पूजा ने बनाया जो मैंने आपको अभी भी दिखाया था, इसीलिए मार्केट वाला और घर वाला सांबर का कोई कंपटीशन नहीं भाई, घर वाला बहुत अच्छा होता है। ये तो छोटा छोटा खाती है, मैं पूरा एक खाऊंगा एक बार में। ऐसे डाला, फुल मजा लिया शिवम ने। स्पून होता है तो दबा के खाते सांबर को एकदम, चाहे गले तक क्यों ना खाना आ जाए, लेकिन ऐसा खाना ना खाने का मन बहुत करता है, मन करता है पूरा खा ले, चाहे बेहोश हो जाए आदमी खाते खाते, है ना। साउथ इंडियन फूड ना मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। तुम्हारे लिए मेरे घर में सबका फेवरेट है।
इनफैक्ट जो भी चावल खाता होगा सबको पसंद आता होगा ये सब कुछ। यहाँ पे पूजा मैडम कुछ तो कर रही है डॉग्स के साथ। पागल मेरे टांग पे मार दिया बिस्किट फेंक के। हाँ ना, मेरे सामने क्या खड़े हो गए? मेरे और मंगल के बीच में वो है कि मंगल उधर से बिस्किट फेंकेगा, मैं मंगल को बिस्किट फेंकूंगी, देखना है कि कौन पकड़ पाता है। चलो ठीक है, कौन इस काबिल है? ये काबिल तो लगता है कोई नहीं है क्योंकि इसका नजर बड़े वाले बक्से पे है। कोई किसी का काबिल नहीं है, लग नहीं रहा है कि कोई, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। ले यस, बस पांडा, बस पांडा का नजर है, सीखिए मुंह में नहीं देंगे। पांडा खा गया, ये तो बेवकूफ है। नीचे गिरा, नीचे गिरा यार। ओ हो हो पांडा, मगर वहीं से, वहीं से फेंको। पांडा पांडा लो, इधर 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 इधर, पांडा उधर, ये इधर 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 है भाई, ऊपर देख रहा है। ये लो पांडा, इसको क्यों दिया, उसको नहीं देना है। पांडा ये ले, सीखेगा नहीं। हां पांडा का भाई क्या एम है यार, कहां भी फेंको पांडा उड़ के ले लेते हैं। यस, उछाल उछाल के दो। ए बेवकूफ, बेइज्जती करा लिया मोटे, तू तो भाई बेवकूफ का बेवकूफ। मुझे एक मुझे एक मुझे भाई दांत मार दिया किसी के मुंह में, तो कोई तो मारा यार। बोल रहे ना, पूरे समझो, यूट्यूब नहीं तैयार है इस चीज के लिए। शांत रहो, सीखेगा कब, बैठो यूट्यूब में, प्रॉब्लम है, सिखाओ मत ज्यादा। तो अभी ना रात का 10 बज रहा है, तो अभी चलते हैं सोने और आपसे मिलते हैं सुबह में, गुड नाइट। तो अभी सुबह हो चुका है और आज का मौसम वापस से बहुत ही अच्छा हो चुका है, मतलब अभी सुबह में ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। अब देखते हैं कि ये ठंडा कब तक रहता है, क्योंकि थोड़ी देर में लगता है ऐसा कि गर्मी होने वाला है बहुत तगड़ा वाला। सुबह सुबह गिन्नी यहाँ पे आ चुकी है, चाय पी रही है और साथ ही साथ अपना दुख गा रही है। कल इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ जो अभी बताएगी, बताओ। यार कल रात को क्या हुआ ना कि यूट्यूब खराटा ले रहा था, तो चप्पल चला के मारे उसको, तो देखो चप्पल काट दिया। जिस चप्पल से इसने फेंक के मारा वो चप्पल देखो यूट्यूब काट दिया। चप्पल है, टाइम भी नहीं हुआ, मतलब 2-3 महीने हो रहे हैं यार इसको पहनते हुए। बेचारी का चप्पल काट दिया यार। हमेशा यही शिकायत है सबका घर में, कभी पूजा का चप्पल काट रहा है, कभी गिन्नी का, कभी पता नहीं किसका। मैं अभी तक सेफ हूँ, बचा हुआ हूँ, मेरा कुछ भी नहीं काटा है। तो आज सुबह मैं वापस से अकेले हूँ, क्योंकि इतनी सुबह कोई उठता नहीं है। आज गिन्नी उठ गई है, बाकी दोनों लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे देखो 3-4 अमरूद गिरा हुआ है। और कल ना डोसा चैलेंज किया था मैंने और गिन्नी ने, जो कि आप गिन्नी वाले चैनल पर जाके देख लेना, उसमें मैं जीता था। मैं पहले ही आपको बताया था मैं जीता था। और मैंने कल आपसे पूछा था कि आपको ज़्यादा अच्छा वीडियो घर का लगता है कि बाहर वाला, ट्रिप वगैरह वाला, तो आपने बोला घर वाला। तो अब मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहीं पर बनाएं। वैसे भी हम लोग बाहर जाते नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जाते हैं वो भी जाना मैं बंद कर दूँगा, क्योंकि आपको तो यहीं का वीडियो पसंद है। और वैसे मैं ये ओवरसाइज़ टी शर्ट नहीं पहनता, अभी मेरे पास कोई टी शर्ट नहीं है, सब गीला पड़ा है, इसलिए पहन रहा हूँ। मुझे इस तरह के टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। कटहल के ऊपर देखो, एक कटहल है, दो कटहल है, तीन कटहल है, और एक तो खा गया जानवर, लेकिन अभी भी तीन बचा हुआ है। यार ये कटहल तोड़ना है यार, कैसे तोड़े? तीन नहीं, चार है टोटल, एक वहाँ पे छुपा हुआ है, तो टोटल 4 कटहल है और इसको तोड़ना है, लेकिन तोड़ेंगे कैसे यार? वैसे देख लो दरवाज़ा कितना पेंट हुआ है, यहाँ से तो पूरा एकदम पेंटेड नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी इस पर एक कोटिंग चढ़ाना बाकी है। नज़दीक से देखो कैसा दिख रहा है, इसके अंदर का जो वाइट वाला लेयर था ना, वो अभी भी बाहर से नज़र आ रहा है। ये इतना पेंट हुआ है, बाकी सामने वाला देखो कितना हुआ है। अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि पेंट वेंट का काम लगभग 4-5 दिन चलेगा, एक दरवाजे को पेंट करने में 4-5 दिन लग रहा है। तो अभी बताए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को यहीं पर करना पड़ेगा समाप्त, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के उठने का इंतज़ार करूँगा तो इस वीडियो को डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं उनके उठने का इंतज़ार अब नहीं कर सकता। होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।